हेलो एवरीवन, दिस इज़ विशाल कुमार। जैसे कि आप लोग जानते हो कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था अगला नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा हमारे लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे वो है हेल्थ इज़ वेल्थ। तो आज हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, हेल्थ। हेल्थ क्या है या फिर हेल्थी पर्सन हम किस पर्सन को कहेंगे, तो हम इसे डिफाइन कैसे करेंगे। अ पर्सन इज सेड टू बी अ हेल्थी when there are a presence of physically, mentally, socially, psychologically fit without any disorder or disturbance। का मतलब क्या हुआ, हम किसी पर्सन को हेल्थी कब कहेंगे, जब वो फिजिकली, मेंटली, सोशली एंड साइकोलॉजिकली फिट हो और किसी तरह का डिस्टर्बेंस या फिर डिसीज और डिसऑर्डर ना हो। अनहेल्थी पर्सन किसे कहेंगे, देयर आर फाइव मोस्ट इम्पोर्टेंट बिहेवियर ऑफ अनहेल्थी पर्सन। अनहेल्थी पर्सन के पांच बहुत ही इम्पोर्टेंट बिहेवियर होते हैं जो मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ। फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर इज इनसफिशेंट स्लीप। नींद ना आना किसी पर्सन का बहुत बड़ा कारण होता है उसके अनहेल्थी रहने का। और बाकी इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है, स्मोकिंग, ओबेसिटी, ये जो बाहर का लोग खाते हैं फ्राइड फूड वगैरह जो होते हैं इनके वजह से ओबेसिटी होता है, जो कि ये भी अनहेल्थी कोज करता है पर्सन को। और फिजिकली इनएक्टिविटी एंड एक्सेसिव ड्रिंकिंग, जो शराब का सेवन करते हैं लोग उससे भी अनहेल्थी बनते हैं। उसके बाद हमें क्या देखना है, हाउ टू बी इम्प्रूव अवर हेल्थ। हम अपनी हेल्थ में सुधार करने के लिए क्या क्या अपने प्रक्रिया में चेंज कर सकते हैं जिससे हम हेल्थी रहें। वैसे तो बहुत सारे फैक्टर हैं हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, जो लोग हमें ज़्यादातर बताते ही हैं कि टेक अ प्रॉपर रेस्ट एंड स्लीप, हेल्थी फूड एंड बैलेंस डाइट, एंड एक्सरसाइज एंड योगा। वैसे तो हमारे लाइफ में इन सभी का बहुत ही इम्पोर्टेंट है टू स्टे लिव लॉन्ग बाय डिक्रीजिंग द सेल डेथ। लंबे समय तक जीवित रहने के लिए ये हमारी सेल डेथ को डिक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से हम ज़्यादा टाइम तक जीवित रह सकते हैं। ये सभी फैक्टर्स हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं जिससे हम बीमारी से बच सकते हैं। ये तो इम्पोर्टेंट फैक्टर थे ही, पर मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर और भी हैं, जैसे योग एंड मेडिटेशन। ये एक्चुअली में ही हमारे लाइफ स्पैन पर इफ़ेक्ट डालते हैं। जैसे इस टाइम पर क्या होता है, योग और मेडिटेशन के टाइम पर हमारे या एक्सरसाइज के भी टाइम पर हमारी ब्रीथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जो कि हमारे ब्रीथ कम होगी उसका इफ़ेक्ट सीधा हमारे लाइफ स्पैन पे पड़ता है। जैसे टोर्टोइज होता है, उसकी ब्रीथ लेने की कैपेसिटी 1 मिनट में 4 ब्रीथ लेता है वो, तो उसकी लाइफ स्पैन क्या होती है, 150 से 200 ईयर्स उसकी लाइफ स्पैन होती है। इसी तरीके से डॉग जो होता है वो 1 मिनट में 20 से 30 ब्रीथ लेता है और उसकी लाइफ स्पैन 10 से 20 ईयर होती है। और ह्यूमन बीइंग का हमारा क्या होता है, हम क्या करते हैं, 1 मिनट में हम 10 से 18 ब्रीथ लेते हैं और हमारी लाइफ स्पैन 120 और 100 होती है। और इसी तरीके से जैसे पहले ऋषि लोग रहते थे, उनकी लाइफ स्पैन इसी वजह से ज़्यादा रहती थी क्योंकि वो ब्रीथ, मेडिटेशन, योगा ये चीज़ और एक्सरसाइज वगैरह करते थे, जिससे उनकी ब्रीथ स्लो हो जाए और उनका लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा होती थी इसी वजह से। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। योग करो, एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो, हेल्थी फूड खाओ, बैलेंस डाइट रखो, बाहर का फ्राइड फूड मत खाओ, बचो इन चीज़ों से। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी, टॉपिक भी बहुत इम्पोर्टेंट होगा और जो पेंडेमिक चल रही है उससे रिलेटेड होगा, सब हमारे सब्जेक्ट से भी रिलेटेड और फार्माकोलॉजी से रिलेटेड होगा, इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा। तो सपोर्ट करें, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो।